हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। माय सेल्फ एस के टिगरवाल एंड नाउ इन दिस वीडियो वी विल टॉक टू अबाउट न्यू टॉपिक एंजाइम इनहिबिशन। सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो या इससे पहले जो भी वीडियो को देख रहे हो आप, तो उन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि मुझे उस चीज़ का मोटिवेशन मिल सके। और जो भी स्टूडेंट्स CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ARS नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं लगातार वीडियो जो है वो अपलोड कर रहा हूँ और सेलेक्टिव पॉइंट्स या सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं उनको अपलोड किया जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स है वो रेस्पॉन्स दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को जो भी तैयारी कर रहे हैं उसको शेयर कीजिए। अभी अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आ जाएगा एंजाइम इनहिबिशन। जनरली अपन जानते हैं किसी भी टॉपिक को अपन स्टार्ट करने से पहले अपन हमेशा ये सोच के स्टार्ट करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो स्टूडेंट हाल ही में MSc में एंटर हुए हैं, BSc करके आए हैं, या कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हो सकते हैं जो BSc वाले भी वीडियो को देख रहे हो क्योंकि उनके अंदर भी ये टॉपिक देखने को मिलता है। जैसे सेकेंड ईयर है BSc, उसके अंदर है प्लांट फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री, उनके अंदर भी देखने को मिलता है। तो सभी जो चीज़ें हैं अपन बेसिक टॉपिक से लेकर स्टार्ट करते हैं उन सभी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए। तो जैसे अपन यहाँ पर एंजाइम इनहिबिशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो एंजाइम है, सबसे पहले एंजाइम के बारे में डिस्कस करें कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स होते हैं जिनके अंदर ऐसे प्रोटीन्स जिनके अंदर कैटालाइटिक एक्टिविटी पाई जाती हो। कैटालाइटिक एक्टिविटी पाए जाने के कारण से ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे और सबस्ट्रेट को किस में कन्वर्ट करते हैं, उसकी ट्रांसफॉर्म फॉर्म प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो कोई भी ऐसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल या सबस्ट्रेट या मॉलिक्यूल जो किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दे एंड खुद की जो स्ट्रक्चर है उसमें किसी प्रकार के कोई चेंजेस देखने को ना मिलते हो, या अपन कहें रिएक्शन की कैटालाइटिक एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, वो बढ़ा देते हैं। तो ऐसे एंजाइम्स या ऐसे जो प्रोटीन्स है वो एंजाइम्स कहलाते हैं। अपन एक लाइन लिखते हैं, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। सभी एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं, एक्सेप्शन की अपन बात करें कि जो राइबोजाइम है ये एक एक्ट एज ए एंजाइम के रूप में एक्टिव या एक्टिविटी शो करता है, और ये जो है वो प्रोटीन नहीं है जबकि ये एक RNA मॉलिक्यूल होता है। इसका मतलब एक्सेप्शनल कंडीशन से अपन कहें कि RNA मॉलिक्यूल है उनके अंदर भी कैटालाइटिक एक्टिविटी देखने को मिलती है और उस प्रकार के एंजाइम को राइबोजाइम एंजाइम कहा जाता है, क्योंकि RNA के अंदर जो 2' पर OH ग्रुप जो है वो कैसा होता है, फ्री होता है। इसलिए इस OH की फ्री होने के कारण से RNA एक कैटालाइटिक एक्टिविटी शो करते हैं। तो ये तो बात हुई अपनी एंजाइम और अपन इसकी प्रोटीन इसकी नेचर की बात हुई। आगे अपन बात करें एंजाइम इनहिबिशन। अब इनके नाम से है कि एंजाइम के अंदर कैटालाइटिक एक्टिविटी पाई जाती है, तो उस कैटालाइटिक एक्टिविटी को अपन क्या कर दें, इनहिबिट कर दें या ब्लॉक कर दें। किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को अगर अपन इनहिबिट कर दें, उसका रोल जो है उसको रोक दें या उसको ब्लॉक कर दें, तो वो जो एक्टिविटी उसे अपन क्या कहेंगे, एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं। एंजाइम इनहिबिशन क्यों करना पड़ता है वो अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग करते हैं अपन। जैसे अपनी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का अगर कोई इन्फ्लामेशन है, बॉडी के अंदर पेन है, स्वेलिंग है, किसी प्रकार की आ गई है अचानक अपनी बॉडी के अंदर, तो अपन क्या करते हैं, ऐसी ड्रग्स लेना चाहेंगे, ऐसी टैबलेट्स लेते हैं जिनके कारण से जो केमिकल बॉडी के अंदर बना है जिसके कारण से इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है उसको अपन क्या करते हैं, उसकी एक्टिविटी को रोक दें या उस एंजाइम को रोक दें जिसके कारण से वो प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, इनहिबिटर्स को यूज में
लेते हैं। कुछ इनहिबिटर्स अपनी बॉडी में अनवांटेड बनते हैं, जबकि कुछ इनहिबिटर्स अपनी बॉडी में वांटेड भी बनते हैं, जो यूजफुल भी होते हैं। इस आधार पर जो एंजाइम की एक्टिविटी को रोक सके, ऐसे सभी मॉलिक्यूल्स या ऐसे सभी ड्रग्स या सभी केमिकल्स, सभी क्या कहलाएंगे, एंजाइम इनहिबिशन कहलाते हैं या इनहिबिटर्स कहलाते हैं। इनहिबिटर्स को दो कैटेगरी में अपन डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ इनहिबिटर होते हैं जो एंजाइम के साथ में परमानेंटली क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। जैसे कोवलेंटली बॉन्ड से बाइंड हो, और कोवलेंट बॉन्ड से बाइंड होंगे तो वो परमानेंट उसके साथ बाइंड होंगे एंजाइम के साथ में, और उसको क्या कर देंगे, परमानेंट इनहिबिट कर देंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे उसकी एक्टिविटी को। जबकि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं या कुछ सबस्ट्रेट या इनहिबिटर्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम के साथ साथ नॉन कोवलेंट बॉन्ड के साथ में बाइंड होते हैं, और कुछ टाइम के लिए उसकी एंजाइम की एक्टिविटी क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, और उसके बाद में वो रिवर्सिबल होते हैं और उसको एंजाइम को छोड़ देते हैं और एंजाइम अपनी एक्टिविटी वापस से करने लगता है। तो इस पर आधार पे कोवलेंट और नॉन कोवलेंट बाइंडिंग के आधार पर अपन कह सकते हैं कि रिवर्सिबल प्रकार का हो एक इनहिबिटर और एक इरिवर्सिबल प्रकार का हो। जैसे पहला है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल इनहिबिटर, कि ये इस प्रकार के इनहिबिटर हैं जो एंजाइम के साथ परमानेंट बाइंड होते हैं, कोवलेंटली बाइंड होते हैं, और एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करते हैं, रोक देते हैं या ब्लॉक कर देते हैं। दूसरा टाइप का रिवर्सिबल प्रकार के इनहिबिटर, जो किसी भी एंजाइम के साथ में नॉन कोवलेंट बॉन्ड से बाइंड होते हैं और कुछ टाइम के लिए बाइंड होते हैं और एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देते हैं, और कुछ टाइम बाद में क्या होता है कि एंजाइम अपना नॉर्मल फंक्शन करने के लिए सक्षम होता है और अपना नॉर्मल फंक्शन कर सकता है। तो अभी इन दोनों के अंदर अपन डिफरेंस देख रहे हैं, तो ये जो मॉलिक्यूल हैं अपने एंजाइम के साथ कैसे बाइंड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड से, कोवलेंट बॉन्ड से बाइंड होते हैं, और अपन कहें कंप्लीटली एंजाइम एक्टिविटी को क्या कर देते हैं, ब्लो कर देते हैं। Completely block enzyme activity। दूसरी चीज, ये जो irreversible inhibitors होते हैं या reversible inhibitors होते हैं, ये हमेशा bind कहाँ होते हैं, ये हमेशा enzyme की active site पर क्या होते हैं, बाइंड होते हैं, एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड होते हैं, और एक्टिव साइट पर बाइंड होने के कारण से सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट पर बाइंड नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, रोक दी जाएगी। तो समझ में आया कंडीशन अपनी, कि ये जो इरिवर्सिबल मॉलिक्यूल्स हैं या कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं, वो सभी एंजाइम के एक्टिव साइट पर कोवलेंट बॉन्ड से बाइंड होते हैं, जिसके कारण से सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाएगा, और सबस्ट्रेट बाइंड नहीं हो पाएगा तो एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। दूसरी चीज़, अपन इसे बोल रहे हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल क्यों बोल रहे हैं, आप कितनी भी कंसंट्रेशन, आप कितना भी सबस्ट्रेट उस रिएक्शन में डाल दो, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, लेकिन ये जो इरिवर्सिबल मॉलिक्यूल है एक्टिव साइट से नहीं हटेगा। तो कितना भी सबस्ट्रेट डाल दूं, नो इफेक्ट ऑन एंजाइम। ये अपनी चार पांच इसके पॉइंट्स हैं
पहली चीज एक्टिव साइट पे बाइंड होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड से बाइंड होते हैं, सबस्ट्रेट कितनी भी कंसंट्रेशन डाल दो उसके ऊपर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि कोवलेंटली बाइंड है, उसकी एक्टिव साइट को वो छोड़ेगा ही नहीं, तो ये और परमानेंटली उस एंजाइम की एक्टिविटी क्या कर देगा, ब्लॉक कर देता है। इसमें अगर अपन कंडीशन देखें, एक्टिव साइट और एक्टिव साइट के अदर साइट के ऊपर भी ये बाइंड हो सकते हैं। अदर साइट ऑफ एंजाइम बाइंड, ये बाइंड होते हैं। दूसरी चीज, ये हमेशा वीक बॉन्ड से बाइंड होते हैं, जिसे अपन नॉन कोवलेंट भी कह सकते हैं। नॉन कोवलेंट बॉन्ड ये कुछ टाइम के लिए बाइंड होते हैं, नॉट परमानेंटली बाइंड, बाइंड फॉर सम टाइम या फ्यू टाइम, कुछ टाइम के लिए बाइंड होते हैं। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पर सबस्ट्रेट अपने एक्टिव साइट पर बाइंड हो सकते हैं और ये वहाँ से रिप्लेस हो जाते हैं। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पर ये कैसे होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, मतलब एंजाइम को छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से ये अपने इनके अंदर डिफरेंस है, इरिवर्सिबल इनहिबिटर और रिवर्सिबल इनहिबिटर। अपनी जो ये क्लास है, इस क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, जो किसी एंजाइम के साथ कोवलेंट बॉन्ड से बाइंड होते हैं, परमानेंटली बाइंड होते हैं और उस एंजाइम की एक्टिविटी क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। अपन वन बाई वन एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फर्स्ट आ जाएगा इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इसकी मैंने पूरी डिस्कवरी या पूरी डिस्कशन जो है अपन ने इसके डिफरेंस के साथ में किया भी था, किस प्रकार से बाइंड होते हैं एंजाइम प्लस कोवलेंट लिंकेज, कोवलेंट लिंकेज के साथ में ये बाइंड होते हैं। अब इसके अपन वन बाय वन एग्जांपल देखते हैं। जैसे सबसे पहली एग्जांपल अपन देखते हैं, इसमें जैसे नर्व गैस के अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसे अपन DIPF कहते हैं। DIPF जिसका नाम है डाई आइसो प्रोपाइल फॉस्फो फ्लोराइडेट, ये इसका नाम है। इसके ऊपर DIPF के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। जनरली कंडीशन में मैंने आपको बता दिया, इसलिए मैंने आपको अलग अलग सेपरेट करके बताया है। जनरली क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि जो नर्व गैस है DIPF जो है वो किस प्रकार का इनहिबिटर है, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। तो आप कह सकते हो ये किस प्रकार का इनहिबिटर है, ये इरिवर्सिबल प्रकार का इनहिबिटर है। आगे अपन डिस्कशन करें इसके बारे में कि ये जो है उसका जो टारगेट एंजाइम है, किस एंजाइम के साथ में ये बाइंड होता है। तो ये एंजाइम के साथ बाइंड होता है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज,
बाइंड टू एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेज। एस्ट्रेज अपन कह सकते हैं इसको, एंजाइम है ये। तो ये एक एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेज एंजाइम है, जो अपन जनरली जानते भी हैं कि दो न्यूरॉन्स के बीच में जब सिनेप्सिस होता है उस टाइम पर इनके बीच में कुछ मॉलिक्यूल सिक्रेट किए जाते हैं, जिसे अपन बोलते हैं एसिटाइल कोलीन। एसिटाइल कोलीन है, और एसिटाइल कोलीन जो है उसको कुछ टाइम तो ये क्या करते हैं, सिग्नल देते हैं, और सिग्नल देने के बाद में उनको इस एंजाइम के द्वारा क्या कर दिया जाता है, डिग्रेड कर दिया जाता है, जिसके कारण से सिग्नल क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं। लेकिन ये जो गैस है ये क्या करता है, इस एंजाइम को इनहिबिट करता है, बाइंड एंड इनहिबिट, ये इसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। अगर ये इनहिबिट हो जाएगा तो इसको कोई तोड़ने वाला नहीं होगा, जिसके कारण से जो न्यूरॉन का ट्रांसमिशन है या न्यूरोट्रांसमीटर है उसका सिग्नल कंटिन्यू क्या रहेगा, चलता रहेगा। तो इस प्रकार से ये इसको ब्लॉक करता है परमानेंटली, एसिटाइल कोलीन। दूसरी चीज अपन देखें कि ये जो एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेज जो है इसमें सीरीन एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है। सीरीन एमिनो एसिड की स्ट्रक्चर अगर अपन देखें तो ये स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, और सीरीन के अंदर OH ग्रुप या एल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट होता है। और इसका जो टारगेट जो ग्रुप है, इसका टारगेट ग्रुप कौन सा होता है, OH ग्रुप होता है। किस एमिनो एसिड का, सीरीन एमिनो एसिड का OH ग्रुप के ऊपर ये क्या करता है, टारगेट करता है, या फिर ये किस के साथ में बाइंड होता है, तो अपन कह सकते हैं DIPF जो है एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेज के सीरीन एमिनो एसिड के OH ग्रुप के साथ में ये बाइंडिंग शो करता है, जिसके कारण से उसकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, ये ब्लॉक कर देता है या रोक देता है। दोनों तीनों चीज़ें याद रखनी है अपने को, एंजाइम टारगेट एसिटाइल कोलीन एस्ट्रेज, कौन सा एमिनो एसिड, सीरीन, सीरीन के OH ग्रुप के साथ में ये बाइंडिंग शो करता है। जैसे यहाँ पर अपन स्ट्रक्चर देखें, ये एंजाइम है जिसके साइड में सीरीन का अपन ने क्या दिखाया है, साइड चेन दिखाई है, और यहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूल आएगा, DIPF आएगा, जैसे F P इस प्रकार से इस मॉलिक्यूल को अपन यहाँ बना सकते हैं फॉस्फेट के साथ में ऑक्सीजन, और यह आ जाएगा CH। जैसे ही ये मॉलिक्यूल OH के साथ में बाइंड होता है, इसके साथ ये HF निकल जाता है, और यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है इस एंजाइम के साथ, एंजाइम
एंजाइम में सीरीन ग्रुप प्रेजेंट था एमिनो एसिड्स, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में बॉन्डिंग बनाते हुए इस प्रकार से ये जो बॉन्ड हैं इस प्रकार से ये लिंकेज शो करते हैं और ये कोवलेंट बॉन्ड के साथ में लिंकेज बनाते हैं। तो ये जो एग्जांपल था, ये एग्जांपल था अपना पहला इरिवर्सिबल एंजाइम का, जिसे DIPF कहते हैं। तो इसमें दोनों तीनों चीज़ें जो भी हैं वो सब समझ में आई होगी आपको। डायग्रामेटिकली भी मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई है किस प्रकार से ये बाइंडिंग शो करते हैं और एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज के सीरीन एमिनो एसिड्स के साथ में ये बाइंड करते हैं और परमानेंट उसको ब्लॉक करते हैं। आगे अपन देखें नेक्स्ट एग्जांपल। आयोडो एसिटामाइड एंड आयोडो एसिटेट, इस प्रकार से ये दोनों जो एंजाइम हैं वो भी कैसे हैं, इरिवर्सिबल प्रकार के एंजाइम हैं। इरिवर्सिबल प्रकार के एंजाइम हैं। अब इनको देखा जाए कि दोनों जो हैं वो किसको ब्लॉक करते हैं, तो दोनों इनहिबिट ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे है उसको ये क्या करता है, ब्लॉक करते हैं दोनों मॉलिक्यूल्स। ग्लाइकोलाइसिस के पर्टिकुलर अपन देखें किस एंजाइम को ये जाकर ब्लॉक करते हैं, तो जिसमें आ जाएगा अपना ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जिनेज, इस एंजाइम को ये क्या करता है, ब्लॉक करता है। इस एंजाइम को भी अपन देखें तो इसके अंदर जो एसेंशियल ग्रुप है, एसेंशियल रेजिड्यू है, वो कौन सा है, सिस्टीन एमिनो एसिड है। सिस्टीन एमिनो एसिड जो है इसका एक फंक्शनल एमिनो ग्रुप के रूप में वर्क करता है सिस्टीन, और सिस्टीन को अपन जानते भी हैं, सिस्टीन एक थायोल ग्रुप रखने वाला एक एमिनो एसिड है, जिसमें या जिसके कारण से अपन कह सकते हैं जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है उसका फॉर्मेशन करता है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन इसमें कौन करता है, सिस्टीन ग्रुप करता है, और इनका जो टारगेट ग्रुप है इनको अपन कहें, इनका टारगेट ग्रुप जो है वो बाइंड होते हैं, बाइंड टू सिस्टीन एमिनो एसिड। किसका सिस्टीन एमिनो एसिड, ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, इसके सिस्टीन एमिनो एसिड्स के साथ में ये बाइंड होता है, और सिस्टीन एमिनो एसिड्स के किसको डिस्टर्ब करते हैं, ये
डाइसल्फाइड बॉन्ड को, डाइसल्फाइड बॉन्ड को ये क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। इनका टारगेट है, क्योंकि ये इनका जो टारगेट है वो कैसा होता है, थायोल ग्रुप, थायोल ग्रुप के ऊपर ही क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। और थायोल ग्रुप किस में प्रेजेंट होता है, सिस्टेन में, और सिस्टेन क्या बनाता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो सीधी सी बात हो गई, ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इसको इफेक्ट करते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड को इफेक्ट करते हैं, जिसके कारण से ये एंजाइम कैसा हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, बाइंड होते हैं। और बाइंड किस प्रकार से होते हैं, कोवलेंटली रूप से ये बाइंड होते हैं, जिसके कारण से ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो रुक जाती है। अगला एंजाइम अपन देखें, या अगला जो मॉलिक्यूल है वो अपन देखें, ये एंजाइम्स, ये जो चीज़ें हैं वो छोटी छोटी ज़रूर हैं, लेकिन काफ़ी एग्जाम्स में ऐसे पूछी जाती हैं, डायरेक्ट इस नाम से आती है, आयडो एसिटोमाइड और आयडो एसिटेट जो है, अलग अलग पूछी जा सकती है। इनका टारगेट एंजाइम कौन सा होता है, तो टारगेट एंजाइम कौन सा पाथवे होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस। कौन सा एंजाइम होता है, तो ग्लिसरेल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डीहाइड्रोजिनेज। कौन सा एमिनो एसिड्स है, सिस्टीन है, थायल ग्रुप है। इसके अलावा किस प्रकार का ये एंजाइम है, या किस प्रकार का ये इनहिबिटर है, तो आप कह सकते हो ये इरिवर्सिबल प्रकार का इनहिबिटर है। आगे देखें, थर्ड साइनाइड, साइनाइड को देखें अपन, कि साइनाइड एक टॉक्सिक गैस है। इसके नाम से भी है कि ये जो साइनाइड है वो, इसकी जो टारगेट पाथवे है, टारगेट पाथवे इसका देखा जाए तो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा पाथवे चलता है, ईटीएस, ईटीएस। और ईटीएस में क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब सीधी सी बात है, अगर साइनाइड, साइनाइड जो है माइटोकॉन्ड्रिया के ईटीएस में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को अगर ये डिस्टर्ब करता है, तो कौन से एंजाइम इसके टारगेट होंगे, तो एंजाइम कौन सा टारगेट होगा इसका, इसका एंजाइम अपन करें तो यहाँ पर आ जाएगा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ये इसका एंजाइम होगा। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज जो है, या फिर अपन कहें कोई भी ऐसे मॉलिक्यूल्स हो जो कैसे हो, मेटेलिक एंजाइम हो, जैसे जिनके अंदर कुछ मेटल्स प्रेजेंट हो, जैसे अपन इसको अपन जानते हैं साइटोक्रोम, साइटोक्रोम में आयरन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा लास्ट वाले जो ग्रुप है उनके अंदर कॉपर भी प्रेजेंट होता है। तो इसके जो साइनाइड है वो इनकी एक्टिविटी को क्या करता है, ब्लॉक करता है। पहली चीज़, एक तो इसका टारगेट जो होता है वो ऑक्सीजन के ऊपर टारगेट करता है, ये ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन प्लस एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी प्रोडक्शन, क्योंकि रेस्पिरेशन के अंदर अपन जानते हैं जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचता है, ऑक्सीजन के पास में पहुँचता है। अगर इलेक्ट्रॉन जो है या ऑक्सीजन अपन प्रोवाइड नहीं कराए यहाँ पर, ये
तो ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचेगा, इलेक्ट्रॉन आगे नहीं पहुँचेगा, इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएगा तो इसके कारण से एटीपी का प्रोडक्शन भी नहीं होगा। और अपन डायरेक्ट कहें किस प्रोसेस को ब्लॉक किया है इसने, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस को क्या किया है, ब्लॉक किया है। तो इसमें दो तीन चीज़ें बातें फिक्स फिक्स हैं, साइनाइड का टारगेट माइटोकॉन्ड्रिया का ETS है, एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेट या ऑक्सीडेज कहें अपन, ऑक्सीडेज में या फिर अपन ऐसे कहें ऐसे कोई भी मेटेलिक एंजाइम हो जिनके अंदर मेटल्स प्रेजेंट हो, इसमें ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन जो है उसको क्या करता है वो यूटिलाइज ले लेता है। ऑक्सीजन को अगर वो यूज़ में ले लेगा तो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी, दूसरी चीज़ जिसके कारण से ATP का प्रोडक्शन नहीं होगा, जिसके कारण से जो माइटोकॉन्ड्रिया है या सेल है उसमें एनर्जी का लेवल क्या जाएगा, डाउन आ जाएगा। तो साइनाइड जो है वो भी एक टॉक्सिक सबस्ट्रेट है और किस प्रकार का है, इरिवर्सिबल प्रकार का एंजाइम के साथ में बाइंड शो करता है ये। अपने इसमें देखें साइनाइड जो है बाइंड टू साइटोक्रोम A3 किस कंडीशन में, जब वो ऑक्सीडाइज्ड हो, ऑक्सीडाइज्ड होगा तो ऑक्सीजन इसके पास ये जाने नहीं देगा या फिर इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर जाने नहीं देगा, तो ये ऑक्सीडाइज कंडीशन है पहले से ही, तो इलेक्ट्रॉन इसके पास में नहीं पहुँचा है तो ये फिर इसको ऑक्सीडाइजिंग कंडीशन में ही इसको ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण से ATP का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, ये इसका टारगेट है। आगे अपन देखें नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड किसको इनिबिट करता है, रेस्पिरेशन को इनहिबिट सेलुलर रेस्पिरेशन, या फिर आप इसे कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ETS को। सेम जैसे अपन बात कर रहे थे साइनाइड की, सेम उसी प्रकार से ये जो गैस है वो साइनाइड की तरह ही ब्लॉक करती है ETS को, और इसका जो टारगेट है वो भी क्या है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। जनरल कंडीशन में, और इसके अलावा इसका टारगेट कौन सा हो जाएगा, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ऑक्सीडेज और ब्लॉक किसको करेगा, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोड्यूस की जाती है, जो इसकी प्रोसेस को क्या किया जाता है, ब्लॉक करता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन को। ये एग्जांपल हो गया इसका नाइट्रिक ऑक्साइड का। आगे अपन देखें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो अपन जनरली जानते भी हैं कि जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ में टाइटली बाइंडिंग या बाइंड होने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीजन के कंपेयर काफ़ी टाइट बाइंडिंग शो करती है किसके साथ में, हीमोग्लोबिन के साथ में। इसके कारण से होने वाली जो डेथ है उसको अपन साइलेंट डेथ कहते हैं, दम घुटता है और उसके कारण से उसकी डेथ हो जाती है, तो ये साइलेंट डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बाइंड टू
हीमोग्लोबिन। इसके अलावा इनहिबिट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ETS चैन। इसका जो टारगेट है कार्बन मोनोऑक्साइड का, इसका टारगेट कौन सा है? ETS है। ETS के अंदर भी अपन देखें साइटोक्रोम A3, साइटोक्रोम A3 के पास में अगर ऑक्सीज इलेक्ट्रॉन आ भी जाए, और इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो ये किस कंडीशन में होगी? रिड्यूस कंडीशन में है। अगर इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 तक पहुंच गया है तो वो किस कंडीशन में है? रिड्यूस कंडीशन में है। मैंने आपको बताया भी था जब साइनाइड जो थी, साइनाइड जब रोकता है या ब्लॉक करता है ETS को, तो वो किस स्टेज तक ब्लॉक कर सकता है? जब इसके पास में इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचा हो, मतलब ये कैसा हो, ऑक्सीडाइज कंडीशन तक हो, तब तो साइनाइड इसको ब्लॉक कर सकता है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन पहुंच भी गया है, रिड्यूस कंडीशन में है, तब भी लास्ट स्टेज पर आकर इसके साथ में बाइंड होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, और क्या अपटेक कर लेगा? इलेक्ट्रॉन को अपटेक कर लेगा, जिसके कारण से रिड्यूस कंडीशन में इसको क्या कर देगा? ये ब्लॉक, इसको ब्लॉक कर सकता है। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन बनते भी हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की जो टारगेट साइट है वो कौन सी है, तो साइटोक्रोम A3 की कौन सी कंडीशन? रिड्यूस कंडीशन। रिड्यूस कंडीशन हो तब भी जाकर ये लास्ट में ब्लॉक कर सकता है, जिसके कारण से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नोट आकर, तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा, जिसके कारण से ATP का लेवल डाउन आ जाएगा या ATP का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि साइनाइड से मोर स्ट्रॉन्ग कार्बन मोनोऑक्साइड, क्यों? ये तो ऑक्सीडाइज कंडीशन में भी, ये ऑक्सीडाइज कंडीशन पे ब्लॉक करता है साइनाइड, इसके मतलब साइटोक्रोम A3 को, और ये रिड्यूस कंडीशन में भी लास्ट में जाकर भी ब्लॉक कर सकता है, तो ये मोर स्ट्रॉन्ग है। ये कंडीशन आगे इनकी कार्बन मोनोऑक्साइड की। लास्ट अपन बात करें सेरीन इनहिबिटर। ये जो सेरीन इनहिबिटर है, ये एक पोटेंशियल इनहिबिटर किसका इनहिबिटर है? ये एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, जो एक क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर को डिग्रेड करने वाला एक एंजाइम है, जिससे अपन ने पहले बात की थी कि जो सिनेप्सिस है, सिनेप्सिस में कंटिन्यू सिग्नल ना जाए, तो उस सिग्नल को ब्रेक करने के लिए वहाँ पर एंजाइम प्रेजेंट होता है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज, तो इसको ये क्या करता है? पोटेंशियल इनहिबिट करता है, और किस प्रकार का है? इरिवर्सिबल प्रकार का इनहिबिटर है, जिसका नाम है सेरीन। तो ये भी याद रखना आपको, सेरीन इनहिबिटर पोटेंशियल इनहिबिटर ऑफ एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। नेक्स्ट अपन देखें पैराथियोन
एंड मेलाथियोन। ये दो प्रकार के अपने इनहिबिटर्स हैं। और किस प्रकार के हैं? इरिवर्सिबल प्रकार के इनहिबिटर्स हैं। और इनमें से देखा जाए तो ये ज़्यादा कैसा है, स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर है, ये वीक इनहिबिटर हैं। ये जो दोनों हैं वो किस प्रकार के हैं? ये दोनों इंसेक्टिसाइड हैं, ये दोनों कैसे हैं? इंसेक्टिसाइड हैं, इंसेक्टिसाइड के लिए यूज में लिया जाता है। इंसेक्टिसाइड में इनका जो टारगेट प्रोटीन है वो कौन सी होती है? इनहिबिट एसिटाइल एस्ट्रेज। ये इसकी क्या है, टारगेट एंजाइम है जिसको जाकर ये ब्लॉक करते हैं। जबकि ये, इसका मतलब अपन कह सकते हैं, ये जो हैं वो मोर टॉक्सिक फॉर इंसेक्ट, इंसेक्ट के लिए ये मोर टॉक्सिक होते हैं। जबकि मैमल्स के ऊपर इनका ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, मैमल्स के कंपेयर इसमें ज़्यादा इफेक्ट इसमें देखने को मिलता है। तो ये आ जाएगा दोनों इंसेक्टिसाइड, पैराथियन और मेलाथियन। टारगेट पूछा जाए तो इंसेक्टिसाइड प्रकार के हैं, इंसेक्ट के ऊपर रोल करते हैं। और एंजाइम पूछा जाए तो एंजाइम आ जाएगा अपना एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज। नेक्स्ट एंजाइम देखें, नेक्स्ट मतलब इनहिबिटर देखें, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स जो है इसका टारगेट अपन नॉर्मली जानते भी हैं, इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल को सिंथेसिस करने के लिए ये क्या करता है, उसको ब्लॉक करता है। क्योंकि इसका जो टारगेट एंजाइम है, उसका वो टारगेट एंजाइम है वो कौन सा है, ट्रांस पेप्टाइडेज। इसका टारगेट एंजाइम इनहिबिट ट्रांस पेप्टाइडेज। ट्रांस पेप्टाइडेज जो है वो इंटरलिंकेज करती है, किसके अंदर इंटरलिंकेज करती है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसके अंदर जो इंटरलिंकेज बनाती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल एंजाइम कौन सा है, ट्रांस पेप्टाइडेज। ट्रांस पेप्टाइडेज को अगर ये ब्लॉक करता है तो इंटरलिंकेज नहीं बनेगा, इंटरलिंकेज नहीं बनेगा तो बैक्टीरियल की जो सेल वॉल है उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ये इंटरलिंकेज जो करने के लिए कौन से होते हैं, जो एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, चार एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं, उनके अंदर इंटरलिंकेज करता है। तो ये जो इंटरलिंकेज है, इस इंटरलिंकेज को कौन करता है, ट्रांस पेप्टाइडेज। और ये ट्रांस पेप्टाइडेज को क्या करता है, ब्लॉक करता है, जिसके कारण से बैक्टीरियल सेल वॉल का सिंथेसिस नहीं होगा। और बैक्टीरियल सेल वॉल का सिंथेसिस नहीं होगा तो
not bacterial growth, जिसके कारण से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी, ये बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं होगी। किस प्रकार का एंजाइम है, तो वापस वही प्रकार का अपन पढ़ रहे हैं, इरिवर्सिबल प्रकार का एक ये एंजाइम एग्जांपल है। तो यहाँ पर आ जाएगा अपना ये, और बाइंड होता है वो कौन सा होता है, कोवेलेंट बॉन्ड से बाइंड होता है। अगला एग्जांपल आ जाएगा अपन ड्रग देखें, ड्रग में देखें एस्प्रिन, एस्प्रिन एंड नॉन स्टेरॉइड नॉन स्टेरॉइड इन्फ्लामेटरी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये जो ड्रग्स है एस्प्रिन है या नॉन स्टेरॉइड इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, ये ब्लॉक करती है एंजाइम को। कौन से एंजाइम को ब्लॉक करती है, कि ऐसे एंजाइम्स किसी भी प्रकार की जो इन्फ्लामेशन या फिर अपन कहें बॉडी के अंदर स्वेलिंग हो, बॉडी के अंदर पेन हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को सिंथेसिस करते हैं। कुछ एंजाइम्स हैं वो ऐसे एंजाइम्स को या ऐसे मॉलिक्यूल्स को सिंथेसिस करते हैं जो अपनी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन करते हैं, स्वेलिंग करते हैं और पेन करते हैं। अगर उस एंजाइम को अगर अपन ब्लॉक कर दिया जाए, तो ये ड्रग्स क्या करते हैं, उन मीडिएटर जो एंजाइम है उन एंजाइम को क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, जिसके कारण से वो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। तो वो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे तो अपने अंदर पेन या इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग नहीं देखने को मिलेगी। तो एस्प्रिन इनका जो टारगेट एंजाइम है वो आ जाएगा साइक्लोऑक्सीजिनेज इनहिबिट साइक्लोऑक्सीजिनेज। साइक्लोऑक्सीजिनेज एक ऐसा एंजाइम है जो किसका फॉर्मेशन करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का फॉर्मेशन करता है। इट फॉर्म फॉर्मेशन करता है प्रोस्टाग्लैंडिन, जो एक 20 कार्बन एक फैटी एसिड से बनता है, आर्किडोनिक एसिड से। आर्किडोनिक एसिड से क्या बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन 20 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनता है, जो मॉलिक्यूल किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, इन्फ्लामेशन इसके अलावा स्वेलिंग और पेन, इनके लिए ये रेस्पॉन्सिबल है। अपन क्या करते हैं, इस एंजाइम को अगर ब्लॉक कर दें तो आर्किडोनिक एसिड है, आर्किडोनिक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर ये क्या करता है, इसको ब्लॉक करता है, जिसके कारण से इसका फॉर्मेशन नहीं होगा। इनका फॉर्मेशन नहीं होगा तो स्वेलिंग है या पेन है वो अपनी बॉडी में नहीं होगा। तो इसलिए अपनी ड्रग्स लेते हैं, एस्प्रिन है या नॉन स्टेरॉइड इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, इसका यूज में लेते हैं अपन। इस प्रकार से आज अपना ये जो लेक्चरर था, इसमें अपन ने देखे कि जो एंजाइम इनहिबिशन है, इसमें कौन से एंजाइम इनहिबिशन है, रिवर्सिबल प्रकार के एंजाइम इनहिबिटर्स हैं। अगले जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर अपन देखेंगे कि जो रिवर्सिबल प्रकार के जो इनहिबिटर्स हैं, जैसे तीन प्रकार के होते हैं, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव और अनकॉम्पिटिटिव, उनके बारे में अगली क्लास के बारे में अपन या अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अपना लेक्चरर ख़त्म होता है फर्स्ट क्लास के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए,
और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए नए नए टॉपिक को अपलोड करता रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।